नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता में आईपीएल का 10वां मैच खेला जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन एंड पिच रिपोर्ट कवर करने वाला हूँ। बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलेगा या आपको गेंदबाजों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो किसको मिलेगा? कौन सा ऐसा बेंगलुरु का बैटर होगा जो आज 100+ मारेगा? कोलकाता ऐसा कौन सा ऐसा बैटर होगा जो आज 100+ मारेगा? सबसे पहले अगर मैं इस वीडियो में बात करूँ तो पिच रिपोर्ट क्या होने वाला है, हेड टू हेड मैचेस क्या होने वाला है, और प्लेइंग इलेवन में क्या चेंजेस हो सकता है, और प्लेयर स्टेटस और मैच और फाइनल टीम क्या होने वाली है, इस वीडियो में हम आपको क्लियर बता दूंगा कौन सा वो 11 खिलाड़ी होगा जो आपको अपने ड्रीम टीम में शामिल करना है और वो डीटी ही देकर जाएगा। पिछले मैच में आपको बता के रखा था कि अगर आप इस प्लेयर को लेकर चलेंगे तो 100% वो पॉइंट देगा और वही पॉइंट देने वाला, मैंने आपको पिछला वीडियो में बता के रखा था। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ऐसे प्लेयर के बारे में बताने वाला हूं जो ऐसे 3 लो परसेंटेज होगा जो आपको सभी लोग ड्रॉप करके चलेंगे। जैसा कि कल आपको देखा होंगे कि राजस्थान रॉयल्स में रियान पराग कैप्टन काम किया था और कोई कैप्टन बना के नहीं गया था और मैं अपने टीम में कप्तान बना के गया था। दोस्तों आपको ऐसे प्लेयर को कप्तान बना के जाना है जिसके अंदर काबिलियत हो और अच्छे खासे चौथे पांचवे नंबर पर बैटिंग करने आता है, वो अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकता है। अब चलिए यहां पर देखा जाए तो इसमें आपका एम एस चिन्नास्वामी आपको जो बेंगलुरु में खेला जाएगा, क्योंकि पहला मैच जो हुआ था पंजाब उसके बाद आरसीबी के बीच में हुआ था और आरसीबी उस मैच को चेस कर गया था। आगे मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करूं तो इसमें टोटल जो मैचेस खेला गया है 156 मैचेस खेला गया। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 69 बार जीती और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 25 बार जीती है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इस स्टेडियम में एवरेज स्कोर देखा जाए तो 156 जाने वाला और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 263 पर 5 विकेट गया है। अगर लोवेस्ट की बात करें तो 82 पर 10 विकेट गया। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि अगर इस स्टेडियम में देखा जाए तो 52% जो विकेट लिया गया है इसमें आपको फास्टर विकेट लिया हुआ है और इसमें 56 विकेट इसमें फास्टर लिया है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो 48% जो इसमें विकेट लिया गया है इसमें आपको स्पिनर लिया है और इसमें 52 विकेट स्पिनर लिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसमें देखा जाए तो मैं आपको बता दूं जो पहला मैच खेला गया था पंजाब उसके बाद आरसीबी के बीच में तो पंजाब बैटिंग करते हुए 176 रन बनाता था 6 विकेट पर 20 ओवर में और इसमें पेसर को 8 विकेट मिल पाता। लेकिन अगर वही देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 178 रन बनाया था और 6 विकेट पर 19.2 ओवर में और स्पिनर को 4 विकेट मिला था और आरसीबी इस मैच को चेस कर गया था पंजाब के खिलाफ। लेकिन वही दूसरा मैच देखेंगे तो आरसीबी बैटिंग करते हुए 197 रन बनाया था 5 विकेट पर 20 ओवर में और पेसर को इसमें 6 विकेट मिला था। लेकिन अगर वही देखेंगे गुजरात टाइटंस इस मैच को चेस कर गया था 4 विकेट पर 19.1 ओवर में, स्पिनर को इसमें 3 विकेट मिला था। लेकिन अगर वही तीसरा मैचेस देखेंगे कोलकाता 200 रन बना था 5 विकेट पर 20 ओवर में, पेसर को 5 विकेट मिला था और आरसीबी इस मैच को चेस नहीं कर पाया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पिनर इसमें 7 विकेट लिया है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा इसमें हेड टू हेड मैचेस क्या होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर इसमें देखा जाए तो कोलकाता 19 मैचेस विन किए और इसमें बेंगलुरु सिर्फ 14 मैचेस विन किए, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो कोलकाता इसमें सबसे अधिक मैचेस जीता हुआ है। लेकिन इसमें देखा जाए तो बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलेगा या आपको गेंदबाजों को मिलेगा, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच आमतौर पर सपाट और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहती है। नई गेंद पेसर को सिम मूवमेंट मिलता है, पावर प्ले बल्लेबाजों खुलकर शॉट खेलते हैं, इसके अलावा स्लो बॉलर्स यहां हमेशा महंगे साबित होते हैं, इसलिए आपको अपने टीम में स्पिनर लेकर नहीं जाना है। आगे मैं आपको क्लियर बता दूंगा कौन सा वो स्पिनर होगा जो फ्लॉप जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान से देखिएगा कि आरसीबी का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। पहले नंबर पर विराट कोहली, फाफदू प्लेसिस ये दोनों ओपनिंग करेंगे, तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार, चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल जो पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे और अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके नहीं दिला पाए थे, बॉलिंग से अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे, बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं दिला पाए रहे अभी तक, बैटिंग से इनका कोई भी खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। अब चलिए यहां पर देखा जाए कॉमरन ग्रीन, उसके बाद
अनुज रावत और दिनेश कार्तिक। महिपाल लोमरे आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखने को मिलेगा। एम डरगर, उसके बाद मोहम्मद सिराज, अलजारी जोसेफ और यश दयाल आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखने को मिलेगा। अब चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर इन सबका रिसेंटली परफॉर्मेंस देखा जाए तो विराट कोहली पिछले मैच में 77 रन के अच्छे परफॉर्मेंस करके दिला रहे। अगर इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो 77 रन, 21 रन, 101 रन, 100, इस तरह से इनका परफॉर्मेंस होता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो फादू फ्लेसिस का तो पिछले मैच में इन्होंने 3 रन ही बना पाए थे और इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, लेकिन बैट्समैन अच्छे हैं, अच्छे परफॉर्मेंस करके दिला सके। अब चलिए यहां पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार एंड इसका देखा जाए ग्लेन मैक्सवेल, तो दोनों ही बैटर आपको अच्छे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं, क्योंकि गेम चेंजर रजत पाटीदार करेंगे और उसके बाद जो टीम में होंगे वो आपको ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि रजत पाटीदार को देखा जाए तो अच्छे परफॉर्मेंस करके नहीं दिला रहे, लेकिन जब अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे तो ड्रीम 11 चेंजर बनाएंगे। इसलिए आपको कम परसेंटेज को अपने टीम में लेकर जाना। कॉमरन ग्रीन की बात किया जाए, दिनेश कार्तिक, तो दोनों ही बैटर आपको अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे। दिनेश कार्तिक कम ही गेना पर आपको फिनिशर के रूप में आते हैं और अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं। कॉमरन ग्रीन को आपको अपने टीम में लेकर जाना है, बॉलिंग से अच्छे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। एंड यहां पर देखा जाए अनुज रावत जो पिछले मैच में 11 रन का परफॉर्मेंस ही कर पाए थे, उसके बाद महिपाल लोमरे पिछले मैच में 17 रन का परफॉर्मेंस कर पाए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसमें बॉलर कौन सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाएगा। अलजारी जोसेफ की बात की जाए, पिछले मैच में 1 ही विकेट मिल पाया था। एंड यहां पर देखा जाए यश दयाल, तो पिछले मैच में इनको भी 1 विकेट मिल पाया था और इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करके दिला पाया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस प्लेयर को अपने टीम में लेकर जाना है, मोहम्मद सिराज को अपने टीम में लेकर जाना। पिछले मैच में 2 विकेट लेते और इस बार अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाने वाले। अब बात करता हूं मयंक डरगर, तक पिछले मैच में भी फ्लॉप गए थे। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें देखा जाए तो बेंगलुरु का स्टार्टिंग बॉलिंग डेथ बॉलिंग कौन करा सकता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा बॉलर आपको अपने टीम में लेकर जाना चाहिए कि वो पावर प्ले से पहले आपको 2 से 3 विकेट निकाल के दिला दे और आपको ड्रीम टीम में होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं मोहम्मद सिराज स्टार्टिंग बॉलिंग एंड अलजारी जोसेफ एंड यश दयाल, आपको यही 3 जो बॉलर होने वाले इंपॉर्टेंट होने वाले। अब चलिए बात करता हूं डेथ बॉलिंग, तो मोहम्मद सिराज, अलजारी जोसेफ एंड यश दयाल, यह 3 आपको बॉलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। यही बेंगलुरु का जो 3 बॉलर होंगे वो आपको मेन बॉलर होंगे जो 4-4 ओवर कराने वाले। अब चलिए यहां पर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कोलकाता पक्का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो पहले नंबर पर आपको फिलिप साल्ट देखने को मिलेगा एंड वेंकटेश अय्यर, सरेश अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल पिछले मैच में 2 विकेट लेते और 64 रन का अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाते। रिंकू सिंह फिनिशर के रूप में काम किए थे। उसके बाद आपको आर सिंह जो आपको सब्स्टिट्यूटेड में आएंगे, उसके बाद सुनील नारायण और एम ईस्टिक और वी चक्रवर्ती एंड यश राणा और यश शर्मा जो आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखने को मिलेगा। अब चलिए यहां पर देखा जाए अगर इन सबका रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे तो रमनदीप सिंह पिछले मैच में 35 रन का सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। एंड यहां पर देखा जाए सुनील नारायण पिछले मैच में 1 विकेट मिल पाया था और इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो पाया था, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्लिप साइड का देखा जाए तो पिछले मैच में ताबड़तोड़ 54 रन का अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। इस बार भी अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे, क्योंकि विकेट कीपर का काम करेंगे ना, तो आपको कैच रोककर कुछ ना कुछ पॉइंट दे देंगे और इस तरह से अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं। अब बात करता हूं वेंकटेश अय्यर, तो पिछले मैच में 7 रन ही बना पाए थे और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कोलकाता का बैटर नहीं चलाता, न सरेश अय्यर, न नीतीश राणा, न वेंकटेश अय्यर, सिर्फ आंद्रे रसल, उसके बाद रिंकू सिंह सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे और 64 रन, 2 विकेट, 27 रन, 0 रन, 2 विकेट, 14 रन, 1 विकेट, 43 रन, 3 विकेट, इस तरह से इनका परफॉर्मेंस होता रहा था। लेकिन अगर इसमें देखा जाए रिंकू सिंह, तो पिछले मैच में 37 रन का सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। इन दोनों को अपने टीम में लेकर जाना ही जाना है। आगे मैं आपको क्लियर बता दूंगा कौन सा वो 11 खिलाड़ी होगा जो आपको अपने ड्रीम टीम में शामिल करना है, कौन सा ऐसा 7 जो प्लेयर होगा जो आपको ट्रम्प कार्ड ही होगा। चलिए अब बात करता हूं अगर इसमें देखा जाए तो कोलकाता का बॉलर में एम स्टिक एंड वरुण चक्रवर्ती, तो वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में 1 विकेट लिए थे और बॉलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए इनको अपने टीम में लेकर जाना है। अगर वही बात करें अमिचल स्टिक, तो पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, तो इनको भी अपने टीम में लेकर जाना। अगर वही बात करें सूर्य शर्मा और उसके बाद हर्षित राणा, तो पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, इस बार इनको अपने टीम में लेकर जाना है। आपको सूर्य शर्मा को अपने टीम से ड्रॉप करके जाना है, आगे मैं क्लियर बता दूंगा। एंड यहां पर देखा जाए तो कोलकाता का स्टार्टिंग बॉलिंग डेथ बॉलिंग कौन करा सकता है, तो स्टार्टिंग बॉलिंग हर्षित राणा एंड आंद्रे रसल और मिचेल स्टिक, इन तीनों बॉलर को अपने टीम में लेकर जाना है।
एंड डेथ बॉलिंग की बात करें तो हर्षित राणा, एंड्रे रसेल और मिचेल स्टिक या तीन बॉलर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले। अब चलिए यहां पर देखा जाए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट की वह कौन सा सात प्लेयर होगा जो आपको अपने ड्रीम टीम में शामिल करना है, एंड कप्तान एंड उप कप्तान किसको बनाना चाहिए, कौन वह तीन लो परसेंटेज होगा जो आज आपको ड्रीम इलेवन चेंजर बनाएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको सात ट्रम्प कार्ड विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल एंड कॉमरन ग्रीन, आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर एंड सुनील नारायण, यस जो सात जो होने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले। अब चलिए बात करता हूं कप्तान एंड उप कप्तान किसको बना सकते हैं, तो विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसल तीनों आपको फिनिशर के रूप में अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए ट्रम्प कार्ड तो यश दयाल, रजत पाटीदार एंड सूर्य शर्मा जो आपको बहुत सारे लोग 1 करोड़ लोग टीम से ड्रॉप करके चलेंगे लेकिन अपना भाई लेकर चलेगा, और यही तीनों जो आपको ड्रीम 11 चेंजर बनाएंगे। अब यहां पर देखा जाए तो फाइनल टीम क्या होने वाली है, तो आप देख सकते हैं मैंने फिलिप साल्ट को ले रखा है जो विकेट कीपर में पिछले मैच में 54 रन का अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। अब यहां पर देखा जाए श्रेयस अय्यर एंड फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली को ले रखा है, तीनों ही बैटर आपको बहुत खतरनाक होने वाले हैं इस बार। अगर इसमें देखा जाए ऑलराउंडर में तो आंद्रे रसल एंड ग्लेन मैक्सवेल को इस बार मैंने वाइस कैप्टन बना के रखा है, आंद्रे रसल को इस बार मैंने कैप्टन बना के रखा था, एंड सुनील नारायण नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो बॉलर में यश राणा, उसके बाद अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज एंड मिचेल स्टिक को ले रखा है, क्योंकि चारों ही बॉलर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले और चारों ही बॉलर आपको चार चार ओवर कराएंगे और इसमें से कोई ना कोई एक बॉलर होगा जो आपको ड्रीम 11 चेंजर बनाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए यहां पर देखा जाए अभी तक जिन भाइयों ने मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो रखा है तो जल्दी से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो टीम मिलेगा सबसे यूनिक, सबसे अलग तरीके से टीम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।